हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने जो हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था लेंजो के बारे में। लेंजो किसान था जो एक पहाड़ी पर रहता था और एक बार उस बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता थी। बारिश तो हुई पर उसके साथ साथ ओले गिरने लगे और ओले ने उसकी सारी फसल, उसके सारा जो मेहनती सारी मेहनत को ख़राब कर दिया। लेकिन जो लेंजो था वह बहुत ही मेहनती था, साथ ही साथ बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसे ईश्वर पर बहुत ही लगाव था, ईश्वर से बहुत ही ट्रस्ट था और ईश्वर को अपने ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए और उसके पास एक पत्र लिखता है। अब आगे आइए समझते हैं उसकी कहानी को। इसके पहले क्या हुआ था, लेंजो जिसकी फसल खराब हो गई थी वह उसी रात को बहुत दुखी था, क्योंकि वह रात उनके लिए बहुत ही दुखद थी क्योंकि उनकी सुबह उनकी सारी फसल खराब हुई थी। तो उसके बाद क्या है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लेंजो था, उसी के बारे में सोच रहा था और क्या रहा था, मतलब ईश्वर की मदद। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, किसी को निर्देश देती हैं, जिसकी आंखें उसे आज तक निर्देश देती आई थी या उसे निर्देश देती रही थी। See everything, वह ईश्वर व भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती थी, see everything कर सकती थी, सब कुछ देख सकती थी। Even what is deep, और वह भी यह भी जान सकती थी, what is deep मतलब क्या गहरा है, इन वन कंसाइंस मतलब किसी के अंतःकरण में, मतलब जो ईश्वर की आंखें हैं वह किसी के अंतःकरण में, किसी के मन में, किसी के जो हृदय में विचार चल रहा है उसके बारे में ही वह जान सकती थी। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंजो जो मतलब इसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वह एक ही चीज़ के बारे में सोचा, उसने एक ही चीज़ के बारे में सोचा, क्या थी, ईश्वर की मदद। उस आई जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्ट मतलब हमें चेतावनी देती हैं, हमें सलाह देती हैं, हमें निर्देश देती हैं। सी एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, एंड इवन वाट इज डीप इन वन कंसाइंस मतलब यह भी जानता है कि किसी के अंतःकरण में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था एक बैल जैसा व्यक्ति था, एक बैल जैसा व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। इसलिए जो लेंचो, उसकी तुलना किसी की जा रही है, किसी एनिमल से, किसी जानवर से, यानी बैल से की जा रही है। लेंचो वाज एन ऑफ ऑक्स मैन मतलब जो लेंचो था वह एक बैल जैसा कार्य करता था, इसलिए उसे मतलब बैल की संज्ञा दी जा रही है। क्योंकि वह किसी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में अपने खेतों में जाया करता था, अपने खेतों की रक्षा करता था, उसे बचाया करता था, अच्छी फसल उगाया करता था, इसलिए उसकी तुलना किसी बैल से की जा रही है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, और पत्र लिखना, वह किसी कागज को लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक सुबह होते ही ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। अगले रविवार को जैसे ही सुबह हुई उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे स्वयं उसे कैरी करना था, ले जाना था टू टाउन मतलब नगर तक, जिसे उसे स्वयं ही नगर तक कैरी करना था, ले जाना था, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाकघर में डालना था, उसे स्वयं ही नगर तक ले जाना था तथा डाकघर में डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, उसमें ईश्वर के पत्र के बदले और कुछ भी नहीं था, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो ने सिर्फ अपनी एक ही होप के बारे में थॉट किया, लेंचो ने अपनी सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, वह क्या थी, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, हमें निर्देश देती हैं, जिनकी आंखें हमें निर्देश देती हैं मतलब उसे निर्देश देती रही थी। See everything, जो सब कुछ देख सकता है, even what is deep in one conscience मतलब वह किसी के अंतःकरण की गहराई को भी जान सकता है, ईश्वर जो है वह किसी के अंतःकरण, किसी के मन की गहराई को भी जान सकता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एक बैल जैसा व्यक्ति था, एक बैल जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था, इसलिए उसकी तुलना बैल से की जा रही है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब सुबह होते ही, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे स्वयं उसे नगर तक ले जाना था, एंड प्लेस
इनटू द मेन और उसे डाकघर में डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसमें ईसा के पत्ते के बदले और कुछ भी नहीं था, उसमें ईसा के पत्ते के बदले और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गॉड उसने लिखा था, उस पत्र में लिखा था, गॉड ही रोड उसने लिखा था, ईसर इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली मेरा परिवार है आई मैं मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। उसने पत्र में क्या लिखा था, ईसर यदि आप मेरी मदद नहीं करते, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है, 100 pesos 100 पैसों की, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जब तक फसल तैयार नहीं होती। उसने देखा क्या, उसने देखा ईश्वर यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव और जीवित रह सकूं, अपना जीवन यापन कर सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल तैयार नहीं होती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने डॉट डॉट लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो ईश्वर है जिसकी आँखें सब कुछ देख सकती हैं उसे तो सब कुछ पता ही होगा, इसलिए उसके आगे उसने कुछ भी नहीं लिखा, तूफान के आगे उसने कुछ नहीं लिखा, उस ओले के बाद उसने कुछ भी नहीं लिखा, उसके बाद उसने डॉट लगाकर छोड़ दिया, मतलब उसे पता था कि ईश्वर को तो सारी सच्चाई के बारे में पता ही है। इसके बाद उसने क्या किया, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर ईश्वर का पता लिखा, उसने मतलब लिफाफे पर ईश्वर लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस लिफाफे के अंदर अपना पत्र जो था उसे रख दिया, उसने लिफाफे के ऊपर गॉड लिखा और उसने उसके अंदर उस लिफाफे के अंदर अपना पत्र रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा परेशान था, वेंट टू टाउन, नगर तक चला गया, उसने लिफाफे पर ईश्वर लिखा, उसने पत्र उस लिफाफे के अंदर रखा, थोड़ा परेशान था और वह नगर तक चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड, उसने प्लेस किया, उसने चिपकाया स्टाम्प, एक स्टाम्प ऑन द लेटर, मतलब पत्र पर, ऑफिस में उसने पोस्ट ऑफिस में एक स्टाम्प उसने पत्र पर चिपका दिया, एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसे डाकघर में डाल दिया, उसने लिफाफे पर ईश्वर का पता लिखा, उसके अंदर पत्र रखा, थोड़ा परेशान था, नगर तक गया, उसने पोस्ट ऑफिस में एक स्टाम्प लिया, उसे पत्र पर चिपका दिया, उसे डाकघर में डाल दिया। इसके बाद है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, और वह पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वेंट मतलब गया अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास, हंसते हुए, हर्टली मतलब जोर से, मन से या गुस्से से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, एक कर्मचारी जो कि वहाँ का एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में मदद का कार्य भी करता था, पत्रों को इकट्ठा करने में, उन्हें पढ़ने में तथा समझने में जो मदद करता था, वो अपने मालिक के पास हंसता हुआ गया, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर का पत्र, और इसे ईश्वर का पत्र दिखाया। एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस में मदद का कार्य भी करता था, वो अपने मालिक के पास हंसते हुए गया और उसे ईश्वर का पत्र दिखाया। नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, अपने जीवन में, एक डाकिया के रूप में, अपने इस कैरियर में, अपने पूरे जीवन में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था, ऐसे अपने पूरे जीवन में एक डाकिया के रूप में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। पूरी रात जो लेंचो था उसने अपनी सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, वह क्या थी, ईश्वर की मदद, जिसकी आँखें उसे बार बार निर्देश देती रही थी, और जो सब कुछ देखता है वह यह भी जानता है किसी के अंतःकरण में कि गहराई में कौन सा विचार चल रहा है। लेंचो क्या था, लेंचो एक बैल जैसा व्यक्ति था जो खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। अगले रविवार को सुबह होते ही ही बिगन टू राइट लेटर्स, ने एक पत्र लिखना शुरू किया, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, से स्वयं नगर तक ले जाना था, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसे डाकघर में डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, उसमें ईश्वर के पत्र के बदले और कुछ भी नहीं था। उसने लिखा था, ईश्वर यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फीट अगेन,
मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ जब तक फसल तैयार नहीं होती, बिकॉज हेवी स्टॉर्म के होने ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसने उस लिफाफे पर उस एनवलप पर गॉड लिखा और उसके अंदर उसने पत्र रख दिया। एंड स्टिल ट्रेवल थोड़ा परेशान था, अब नगर तक गया और उसने पोस्ट ऑफिस में उस पत्र पर एक स्टाम्प प्लेस कर दिया, चिपका दिया और उसे डाकघर में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, अपने मालिक के पास हंसते हुए गया और उसे निःशुल्क का पत्र दिखाया। अपने पूरे जीवन में उसने एक डाके के रूप में ऐसा कभी पता नहीं देखा था। तो आप ये समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।